अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। मेरी शर्ट और मेरी डिस्क्रिप्शन से आप लोगों ने अंदाज़ा लगा लिया होगा कि आज मेरा व्लॉग किस चीज़ के बारे में बनने जा रहा है। आज मेरा व्लॉग आएगा SCG मतलब सिडनी क्रिकेट ग्राउंड से, और उसमें होने जा रहे हैं T20 वर्ल्ड कप 2022 का सेमीफाइनल, और इसमें मुकाबल है पाकिस्तान वर्सेज़ न्यूजीलैंड। तो ये व्लॉग मेरे लिए बहुत अहम है और इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि आप लोगों के लिए बेस्ट व्लॉग बना सकूँ। अभी मैं बिल्कुल घर के साथ हूँ और 3 बज रहे, और इंशाल्लाह हम 5 बजे तक पहुँच जाएंगे, 5 बजे गेट्स खोलेंगे और मैं आप लोगों को सारा सिस्टम दिखाऊँगा मैच के एंड तक, मैच के आखिरी और वापसी तक। जितना भी हुआ मैं आप लोगों के लिए व्लॉग बनाऊँगा, आप लोग मेरे साथ रहिएगा। घर से निकल गए, बस हम 4 लोग हैं। टिकट सेम जगह पे नहीं है, मेरा डिफरेंट है, हर चीज़ का डिफरेंट डिफरेंट है। तो ग्राउंड से और ग्राउंड तक सब चीज़ें इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो हम स्टेडियम पहुँच चुके हैं और हमने गाड़ी पार्क कर ली है और ये बैक साइड पे स्टेडियम है। तो अभी अंदर जाएंगे और सारा आपको दिखाएंगे स्टेप बाई स्टेप। स्टेडियम के अंदर वो जा रहे हैं, हमारे दोस्त मौजूद है, शायद मीर और मुजाहिर पाकिस्तानी कल लगा रहे हैं। अभी मैं ज़रा एक पाकिस्तान का फ्लैग ढूंढ रहा हूँ, न्यूजीलैंड की तो बहुत ज़्यादा है, अब मुझे अंदाज़ा नहीं है कि पाकिस्तान का फ्लैग किधर से मिलेगा। तो ये वायर ब्लू है, बाकी स्टेडियम जाने से पहले आप लोगों को वायर का भी दिखा सकते। अभी गेट्स नहीं खोले हैं और गेट ओपन होंगे 5 बजे, अभी 4:30 बजे। बस आप लोग दुआ करो पाकिस्तान जीत जाए, तो इसलिए मैं सोचा कि बाहर का व्यू तब तक दिखा देता हूँ जब गेट खोलते हैं। मेरे बैक पे 2 शॉप्स है और ये ग्राउंड के सामने है, लेकिन इधर से भी लेग्स नहीं मिल रहे हैं, और शर्ट्स वगैरह है लेकिन लेग नहीं है। तो चलो इंशाल्लाह देखते आगे, कोई मिल जाए तो अच्छा। ग्राउंड के बाहर खेल रहा है और इसने कैच भी ले लिया, ये लंबे लंबे मैं ज़रा ये ट्राई कर देता हूँ, नाम भूल गया, ज़रा ये वो कर रहा है। और इधर ये सब चीज़ें ICC की तरफ से होती है, सब चीज़ें फ्री होती है। जा रहे हैं स्टेडियम के, अभी मेरे ख्याल में बल्कि 10 मिनट रहते हैं, 10 मिनट के बाद हम डायरेक्ट। पाकिस्तानी आवाम बहुत ज़्यादा है बनस्बत न्यूजीलैंड के, बस दुआ करो पाकिस्तान जीत जाए। ये ICC के जो कैमरे वगैरह होते हैं वो इधर की रिकॉर्डिंग करते हैं, बैक साइड पे मौजूद है हर जगह पे। फाइनली हम गेट की तरफ जा रहे हैं और इधर टिकट स्कैन करेंगे और डायरेक्ट स्टेडियम के अंदर टच करेंगे और मैग्नेटिक वंडर का इस्तेमाल करेंगे अपना टिकट। तो हम अंदर आ गए, अब इसके बाद आप स्टेडियम का व्यू दिखाते हैं। तो फाइनली स्टेडियम के अंदर आ गया हूँ, और अभी लोग इसलिए नहीं है क्योंकि वो थोड़ी देर बाद अंदर आते हैं, हम पहले इसलिए आए ताकि बाद में रश में फंस न जाए। ये स्टेडियम है, ये SCG है। गाइस मैंने मुझे लगे मेरा नीचे वाला सीट होगा, लेकिन अभी जब रो वगैरह देख लिया
स्टेडियम इतना बड़ा है हमारा, बिल्कुल ये पोर्शन में है, लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी आप ऊपर से देख सकते हो कितना व्यू है, ऊपर से ज़्यादा व्यू है और ज़्यादा क्लियर आप देख सकते हो, जब बहुत देखिए गरीब बैठे होते हैं फिर ज़्यादा मसला होता है लोगों को, वो बिल्कुल सामने है इधर में पाकिस्तानी प्लेयर निकलता स्टार्ट होता है। नई चीज़ दिखाऊँ वो ये कि वर्ल्ड कप की ट्रॉफी भी ग्राउंड में आ चुकी है, दुआ करो कि इस बार ये पाकिस्तान के आ जाए, पाकिस्तान जीत जाए ये ट्रॉफी, ये T20 वर्ल्ड कप 2022 की ट्रॉफी है। तो ये शादाब खान के इंटरव्यू हो रही है और सामने हमारा हसनैन भाई जा रहा है पाकिस्तान का झंडा लहरा के, और ये बाबर आजम प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये प्रैक्टिस चल रहे हैं पाकिस्तान की टीम, शहीन अफरीदी बॉलिंग कर रहे हैं, शहीन अफरीदी साथ में सारे पाकिस्तान की टीम है और ये पूरी न्यूजीलैंड की टीम। प्रॉब्लम कोई और एक मैक्सिमम दिखा रहा हूँ और मेरा वॉइस जो है ना वो ज़्यादा क्लियर नहीं हुआ क्योंकि इधर शोर बहुत ज़्यादा होते हैं, मगर कोशिश करूँगा कि आप लोगों को क्लियर दिखाऊँ। पाकिस्तान का ग्रुप टू ले रहा है, हो गया जी, ये दोनों टीम सेमीफाइनल पाकिस्तान वर्सेस
अलहम्दुलिल्लाह पाकिस्तान जीतने वाले और इंडियन फैंस घर जाते हुए। बस अल्हम्दुलिल्लाह हमने जीत गए और माशाल्लाह पाकिस्तानी अवाम बहुत ज़्यादा खुश है, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है फाइनल के लिए। अब सारे लोग टिकट वगैरह करके मेलबर्न जा रहे हैं क्योंकि फाइनल मेलबर्न में है, तो मेरा गला भी थोड़ा सा मतलब बैठ सा गया। तो ये लोग कुछ लोग पिक्चर बना रहे हैं, कुछ लोग जा रहे हैं। ये हम अभी ग्राउंड से तो हैर आउट हो गया हूँ, अब स्टेडियम से बस बाहर ही जा रहे हैं। मतलब जो वो मेन था वो इधर शौक होगा, काफ़ी आवाम जमा है। इंडियन फ्लैग भी है क्योंकि ज़्यादातर लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच हो। ये मैं मेन गेट से आउट हो रहा हूँ, बहुत खुश हो गया हूँ मैच के लिए आया हूँ, लोग भी बने और मैच भी जीते। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का जितना भी हम शुक्र अदा करें वो काम है।
माशाल्लाह खिलाड़ियों के लिए इंशाल्लाह उम्मीद है फाइनल ये स्टेडियम के बाहर पाकिस्तान की आवाम खड़ी है कि बहुत ज़्यादा वो क्या है इंजॉय कर रहे हैं सारी आवाम कुछ लोग ब्लॉग बना रहे हैं कुछ लोग इंजॉय कर रहे हैं कुछ लोग अपने साथ डोल ले गए हैं मैंने हारिस पार्क का बोला था हारिस पार्क हम जब पहुंचे उधर लोग निकल गए थे क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गया था और अभी हम अपने सेक्टर पहुंचे हैं ओपन तो इधर हमारे पाकिस्तान के जवानों ने रोड ब्लॉक किया हुआ है ज़्यादा होश कई जगह पे मेरे साउंड अच्छे नहीं है तो उसकी जमा सबके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन दोबारा भी सबको।